रेगिस्तान में प्री मानसून की जबरदस्त एंट्री हुई। सोमवार को इंद्रदेव जमकर बरसे। इस सीजन की पहली बारिश ने ही जिले भर में तांडव मचा दिया। पानी का बहाव कई सड़कों को उखाड़ ले गया। कई वाहन पानी में तैरते नजर आए। चारों तरफ पानी बहता नजर आया। शहर व ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें पानी से लबालब नजर आई। घरों, होटलों और ऑफिस में पानी घुस गया। देर शाम शुरू हुई बारिश का दौर रात भर चलता रहा। जिले भर में कई मूसलाधार बारिश हुई तो कई अच्छी बारिश भी हुई। बारिश के साथ किसानों के चेहरे पर भी खुशी छा गई। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया तो कई जगहों पर पानी के तालाब बन गए। वहीं चौटन सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थितियां बन गई। बाड़मेर में इस बार प्री मानसून की मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है, वहीं ताबड़तोड़ बारिश से 12 वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सोमवार को दोपहर बाद शुरू हुई बारिश का सिलसिलेवार रात भर रुक रुक कर चलता रहा और देखते देखते 12 घंटों में थार नगरी में 76.2 मिलीमीटर यानी करीब 3.25 इंच बारिश हो गई। वहीं दूसरी ओर बाड़मेर के बायतू से लेकर चौटन बैल तक अच्छी बारिश हुई। इस सीजन की पहली बारिश से ही जिले भर में तांडव मचा दिया। पानी का बहाव कई सड़कों को उखाड़ कर ले गया। कई वाहन पानी में तैरते नजर आए। चार तरफ पानी बहता नजर आया। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। घरों, होटलों, ऑफिस में पानी घुस गया। देर शाम शुरू हुई बारिश का दौर रात भर चलता रहा। जिले में कहीं मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं अच्छी बारिश हुई। बारिश के साथ किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया तो कई जगहों पर पानी के तालाब बन गए। वहीं चौटन सहित कई ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थितियां बन गई। ये बलदेव नगर बाड़मेर उद्यम स्कूल के पास क्या समस्या हुई? यहाँ पे कल रात भारी भीषण बारिश के कारण हमारे घरों में, हमारे आंगन में, बाड़ों में पानी भर गया है। हमारे घर के पास में ही किसान गना छात्रावास के पास में ही एक नाला बनाया गया है जो एक हमारे घरों के लिए बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न कर रहा है। वो ना इतना अव्यवस्थित बनाया गया है। उस अव्यवस्थित नाले की वजह से जो पानी उसके अंदर आता है वो बारिश की वजह से ओवरफ्लो होकर हमारे घरों के अंदर आ जाता है। कितनी समस्या हो सकती है उसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। जैसे कि इस गंदे पानी के अंदर, ये पानी सिर्फ बरसात का नहीं है, सिर्फ इसी पानी के अंदर बरसात का नहीं है, ये कितनी ही गलियों का पानी उस नाले के जरिए इन हमारे बाड़ों में आया है। इस हमारे घर के पास में नाला है, किसान कन्या छात्रावास से रोड तक एक नाला है। वो नाला पिछले 5 साल से बंद है ब्लॉक है, तो उसमें क्या है कि हमने कई बार कंप्लेन भी दर्ज करवाई, ठीक है, लेकिन कुछ का कोई समाधान हुआ नहीं है। ठीक है, कलेक्टर साहब तक हमने पहले भी कई बार ज्ञापन भी दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं है। कल रात को बारिश, थोड़ी सी बारिश ही आई थी और ये सब समस्या उत्पन्न हो गई। हमारे घर के अंदर से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, हमारे घर के पास में जो बाड़े हैं वो पूरे ओवरफ्लो हो गए। सोमवार को भीषण गर्मी और उमस के बाद दोपहर 3:30 बजे अचानक बादल घिर आए और 10 मिनट की बारिश हुई। फिर 5:30 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ जो पूरी रात कभी तेज कभी बूंदाबांदी के रूप में चलता रहा। बारिश के बाद शीतल हवाएं चलने लगी तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में भी अच्छी बारिश हुई। बाड़मेर शहर के अलावा चौटन, सेडवा, हाथमा, रामसर, शिव, बायतू, बाटाड़ू, भाटखा बेल्ट में गाँव में अच्छी बारिश का समाचार है। हाथमा से 1 किलोमीटर आगे पहाड़ियों में हुई बारिश के बाद पानी इस कदर बहने लगा कि गड्ढरा रोड बाड़मेर हाईवे पर आवागमन अवरुद्ध हो गया। ऐसे ही दृश्य कई स्थानों पर देखने को मिले। रात भर चली बारिश के बाद बाड़मेर शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं कई सड़कों पर 1 फीट तक पानी बहने लगा। यहाँ भी घंटों तक सड़क पर पानी की वजह से आवागमन अवरुद्ध रहा। प्री मानसून की इस बारिश से जहाँ बाड़मेर में 3.25 इंच पानी बरसा, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को बाड़मेर का अधिकतम तापमान 37.5 और न्यूनतम 24.3 डिग्री दर्ज किया गया।